Hello everyone, how are you all? Welcome to my channel Basic Learning. I hope you all are doing good. हिमाचल प्रदेश की चोटियों के बारे में करवा रही हूँ और एक एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में करवा रही हूँ. ठीक है, तो आज जो इससे पहले मैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में करवा चुकी हूँ, अब जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो करवाऊँगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. ये है कुल्लू, मैप आता होगा तो पता होगा. ये है मंडी. कुल्लू और मंडी जो है हिमाचल प्रदेश के मध्य ज़िले हैं, यानी सेंटर में आते हैं. ठीक है, ये है हमीरपुर, ये है ऊना, ये है बिलासपुर और ये है सोलन. ठीक है, लग गया पता. ये सारा जो एरिया दिख रहा है ना, ये है कांगड़ा. ठीक है, ये जो एरिया है ये शिमला. ठीक है, और इधर है, इधर नीचे सिरमौर. ये मैं करवा चुकी हूँ पहले. फटाफट से स्टार्ट करते हैं. कुल्लू में बहुत सारी चोटियाँ हैं. ठीक है, जैसे चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर, चंबा. ये तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन कुल्लू भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी माउंटेन पीक्स हैं. ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है कुल्लू की वो है देवी वोखरी पिरामिड, जिसकी हाइट है 6400 मीटर. ठीक है, कुछ और मत लगा देना, मीटर है. ठीक है, इंद्रासन कहाँ पे? इंद्रासन भी जो है वो कुल्लू में है. दियो टिब्बा कहाँ पे है? कुल्लू में है. डोंट कन्फ्यूज दियो टिब्बा विद द हनुमान टिब्बा. हनुमान टिब्बा के साथ आप इसको कन्फ्यूज ना करें. हनुमान टिब्बा कहाँ पे है? कांगड़ा में है. और एक और टिब्बा है, दो टिब्बे हमारे और हैं, नरसिंह टिब्बा. ठीक है, वो कहाँ पे है? चंबा में है. और एक और टिब्बा है, गोरी देवी का टिब्बा. ठीक है, वो भी कहाँ पे है? वो भी चंबा में है. यानी दियो टिब्बा कहाँ पे है? कुल्लू में है. हनुमान टिब्बा कांगड़ा में है. नरसिंह और गौरी देवी का टिब्बा जो है वो चंबा में है. कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ. दियो टिब्बा कहाँ पे है? कुल्लू. हनुमान टिब्बा कांगड़ा. नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी का टिब्बा इज इन चंबा. ठीक है, सोलांग कहाँ पे है? सोलांग जो है वो आपका कुल्लू में है. डोंट कन्फ्यूज सोलांग विद चोलांग. ठीक है, चोलांग के साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना. चोलांग कहाँ पे है? कांगड़ा में है. करवा चुकी हूँ, सबसे छोटी चोटी है कांगड़ा की चोलांग, च लगाई यहाँ पे. लेकिन सोलांग चोटी कहाँ पे है? कुल्लू में है. नेक्स्ट है मेवाकानी दूनू. ठीक है, नेक्स्ट है परांगला. डोंट कन्फ्यूज परांगला विद द परांगला दर्रा. पर ये परांगला जो है ना, ये परांगला चोटी है. मैं चोटियाँ करवा रही हूँ तो मैं चोटी बता रही हूँ, लेकिन एक परांगला दर्रा भी है. वो कहाँ पे है? लाहौल एंड स्पीति में है. ठीक है, उमा शिला, सॉरी मैंने ये इकट्ठा लिख दिया है. ये है उमा और ये है शिला. उमा शिला क्या है? उमा शिला भी चोटियाँ हैं. इससे पहले हमने क्या किया था? गुशू पिशू की थी. कहाँ पे थी वो गुशू पिशू? आपकी किन्नौर में थी. शिखर बेहू और मकर बेहू कहाँ पे थी? वो आपकी लाहौल एंड स्पीति में थी. ठीक है, उमा शिला कहाँ पे है? उमा शिला आपकी कुल्लू में है. ठीक है, नेक्स्ट है शितिधार. शितिधार कुल्लू में है, लेकिन शिलाई धार सिरमौर में है. मैं करवा चुकी हूँ, ये शिति है, वो शिलाई है. ठीक है, नेक्स्ट है श्रीखंड महादेव. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइट पूछी जाएगी, 5182 मीटर्स. ठीक है, श्रीखंड महादेव की कितनी हाइट है? 5182 मीटर्स. इंद्र किला है, उसके बाद है पिन बारवदी, खोरन तनु और एक साचा. साचा की जो हाइट है 3540. साचा को साच दर्रे से कंफ्यूज नहीं करना है. जो साच पास है, साच पास भी आपका कहाँ पे है? चंबा में है. कहाँ है? चंबा में है. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस जो बैक साइड से आ रही है. मैं एक्चुअली ओपन में बनाती हूँ ये वीडियोस, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है. मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो. ठीक है, तो साचा क्या है? चोटी है. कहाँ पे? कुल्लू में. लेकिन साच पास कहाँ पे है? चंबा में है. सिमिलरली परांगला चोटी कहाँ पे है? कुल्लू में. लेकिन परांगला दर्रा कहाँ है? लाहौल स्पीति में है. दियो टिब्बा कहाँ पे है? दियो टिब्बा है आपका कुल्लू में. लेकिन हनुमान टिब्बा जो है वो कांगड़ा में है. और गौरी देवी का टिब्बा और नरसिंह टिब्बा जो है वो चंबा में है. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चोटियाँ हैं कुल्लू की. श्रीखंड, ठीक है, इंद्र किला, पिन पार्वती, साचा चोटी. ठीक है, और इसमें है इंपॉर्टेंट देवी वोखरी पिरामिड तो है ही है. और उमा शिला पूछा जाएगा. उमा शिला के बारे में, उमा शिला की हाइट नहीं आती आएगी, पर हाँ मतलब आ तो सकती है, कुछ भी आ सकता है. पर उमा शिला ये ज़रूर पूछा जाएगा कि उमा शिला है क्या, चोटी है कि घाटी है. तो ध्यान रहे कि वो एक चोटी है. ठीक है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. मंडी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नागरू है. ये चोलांग यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ की नहीं है. ठीक है, नागरू है. हमीरपुर की अवा देवी है, जिसकी हाइट है 1100 मीटर. भारवेन जो है वो ऊना की है. बहादुरपुर बिलासपुर की है. और माउंट करोल आपकी सोलन की है. ये सिर्फ आपको नेम पता होनी चाहिए. सबसे छोटी
चोटी जो हिमाचल प्रदेश की वो अबा देवी है, और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शीला चोटी। मैं करवा चुकी हूँ, कहाँ पे है शीला चोटी, 7025 मीटर इसकी हाइट है, शीला चोटी है आपकी किन्नौर में। और हिमाचल प्रदेश की तीन सबसे ऊंची चोटियाँ कहाँ पे है, किन्नौर में है। चौथी चोटी जो है यानी फोर्थ जो है वो है मनीरिंग। मनीरिंग कहाँ पे है, मनीरिंग आपका लाहौल स्पीति में है। ठीक है, इससे ज़्यादा चोटियों में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो रह गई होंगी तो आप एक किताब से देख लेना, लेकिन इतना इनफ है। मतलब जो आप अगर हाई लेवल एग्ज़ाम्स है तो थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा इससे, ये इसके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए, लेकिन इतना काफ़ी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हूँ, प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट। और बाकी मैं इसके बाद टेम्पल्स करवा दूँगी, वो भी पट्टी मतलब मैप के साथ ही मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है, मैप के साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से याद रहेगा, क्योंकि देखो कई जगह जैसे कुछ मंदिर है उसका नाम है त्रिलोकपुर, एक मंदिर है हमारा त्रिलोकपुर और एक मंदिर है हमारा त्रिलोकीनाथ। ठीक है, तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम मैप से करेंगे तो ज्योग्राफी करना कोई बड़ी टफ काम नहीं है, लेकिन मैप बड़ा ज़रूरी है, बिना मैप के कोई फ़ायदा नहीं। करते जाओ भूलते जाओ, पेपर कभी क्लियर नहीं होंगे चाहे जितने मर्जी साल लगा लो। हाँ, ये तो मुझे देखो पता क्या होता है, लक बड़ा मैटर करता है, मैं इस चीज़ से बड़ी एग्री करती हूँ, लेकिन जो हार्डवर्क होता है ना उसको करने का एक तरीका अगर आता हो ना तो शायद लक भी आपके साथ देते। ठीक है, अपनी तरफ से आप फुल सेटिस्फाई रहिए कि हाँ ठीक है हमने अपना 100% दिया है, फिर नहीं हुआ तो लक की बात है, पर अपना तो आपका बनता है ना, कर्म तो करना तो बनता ही है ना, कि हाँ चलो ठीक है हमने अपने टाइम पे किया है, नहीं हुआ वो एक सेपरेट चीज़ है, शायद आप उसके लिए नहीं बने होंगे, लेकिन कोशिश करो, और कोशिश ऐसी करो कि बस आपको सब पता हो, 100% लगा दो, अपनी जान लगा दो जितना हो सकता है। ठीक है, और बाकी YouTube वगैरह तो आजकल है ही है, कोचिंग वगैरह की तो क्या ही ज़रूरत है, कोचिंग वाले बच्चे भी होते हैं मैं मानती हूँ, बट जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो नहीं कर सकता, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है या इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ठीक है, जो होना है वो तो जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते वो YouTube से पढ़ लें, कुछ नहीं पढ़ने वाले कैसे भी निकल जाते हैं। ठीक है, बाकी हौसला रखिए, खुश रहिए, इन्जॉय करिए, टेंशन कम लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।